अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरवाफियत से होंगे तो आज के दिन हम सबसे पहले जानेंगे सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड के बारे में ठीक है फिर उसके बाद हम लैंग्वेज प्रोसेसर्स देखेंगे जिन्हें लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर तीन तरह के होते हैं एक आ गया कंपाइलर एक आ गया इंटरप्रेटर और एक आ गया असेंबलर ठीक है तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे पास आता है सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड ठीक है आ, पहले जिस तरह हम स्टार्ट करते हैं कि यानी जो भी वर्ड लिखा हो पहले उसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं यानी कि आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं ना तो आपके सामने ये वर्ड्स आ गए हैं तो ये वर्ड्स देखते ही ना आपके जहन में कौन से मतलब आते हैं कौन सा मीनिंग हम वर्ड से निकाल सकते हैं ये काम आपने लाजमी किया करना है ठीक है तो अब वर्ड आ गया है सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड तो आपके पास जितना भी नॉलेज है वो सारा नॉलेज यहाँ पे लगाने की कोशिश करें और इनका मतलब फ़ाइड करें सोर्स कहते हैं जरिया यानी कि जहाँ से कोई चीज़ निकलती है ठीक है कोड तो कोई ना कोई सिंपल कोड होगा इसी तरह ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं कोई ना कोई मकसद ऑब्जेक्ट किसी ना किसी चीज़ को भी कहते हैं यानी कि अगर कोई ना कोई, ना कोई एक लड़का है एक लड़की है एक जगह है और कोई ना कोई चीज़ है यानी कि कोई ना कोई पर्सन हो प्लेस हो थिंग हो उसको भी हम ऑब्जेक्ट कहते हैं ठीक है और कोड क्या है सिंपल एक कोड होगा सोर्स कोड एक ऐसा कोड होगा जो कि मेन कोड होगा कौन सा कोड होगा मेन कोड होगा जो कि सोर्स होगा यानी कि कोड जहाँ से निकलेगा जो कोड हम लिखेंगे जो कोड बनेगा क्या एक सोर्स बनेगा उस कोड को हम सोर्स कोड कहते हैं और ऑब्जेक्ट कोड यानी कि इस सोर्स कोड के ऊपर कोई काम किया जाएगा ऑब्जेक्ट कोड हासिल करने के लिए यानी कि अपना मकसद वाला कोड हासिल करने के लिए तो वो ऑब्जेक्ट कोड बन जाएगा ठीक है देखें जी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैं कहता हूँ टू प्लस वन इज़ इक्वल टू आंसर आ गया थ्री आंसर आ गया थ्री तो अगर मैं देखूँ तो ये सोर्स था इस ऑब्जेक्ट के लिए यानी कि ये चीज़ सोर्स बनी ये चीज़ जरिया बनी इस चीज़ को हासिल करने के लिए ठीक है ये हमारा मकसद ये हमारा रिज़ल्ट आया ये चीज़ सोर्स बनी इस चीज़ को हासिल करने के लिए तो ये चीज़ हमारे पास क्या है ये चीज़ हमारे पास हमारा सोर्स है और ये हमारे पास हमारा रिज़ल्ट है ठीक है हमने इस चीज़ को इस चीज़ में कन्वर्ट किया हमने इस चीज़ पे प्रोसेसिंग की और ये चीज़ बन गई तो यहाँ से ये जो प्रोसेसिंग की हमने कहा कि हमने सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील किया तो ये हमारे पास सोर्स कोड होता है ये ऑब्जेक्ट कोड होता है और सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेट करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं उन्हें हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं या लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं ठीक है वो सारा हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे उम्मीद करता हूँ कि नाम से थोड़ी सी समझ आई होगी सोर्स कोड क्या है ऑब्जेक्ट कोड क्या है और सोर्स को जो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं या उसमें ट्रांसलेट करते हैं या उसमें प्रोसेस करते हैं उन्हें तो लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेटर या कन्वर्टर कहा जाता है ठीक है तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ी सी ताकि हमें बुक के हवाले से भी कंसेप्ट सीखने का पता चल सके ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास आता है सोर्स कोड सोर्स कोड क्या होता है ठीक है तो अब प्रोग्राम डिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज इस कार्ड सोर्स प्रोग्राम एक प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको हम सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड भी कहते हैं ठीक है जब नेक्स्ट हम डिफरेंस पढ़ेंगे वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि असम्बली लैंग्वेज में लिखे जाने वाले प्रोग्राम को भी सोर्स कोड कहते हैं ठीक है सोर्स uh, कोड को हम सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं यहाँ पे कोड आना था यानी कि एक प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको हम सोर्स कोड कहेंगे और सोर्स कोड को हम सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं कंप्यूटर कैन नाट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज की स्टेटमेंट को नहीं समझ सकता ठीक है हमने कोई हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा जहाँ पे मैंने कहा इनपुट नंबर यानी कि बच्चे के नंबर लें ठीक है फिर मैंने कह दिया सम बराबर ए प्लस बी यानी कि जो भी बच्चों के मार्क्स थे उन मार्क्स को मैंने प्लस करवाया ठीक है और उसके बाद जितने बुक्स के मार्क्स थे मैंने उनसे डिवाइड करवा दिया फ़र्ज़ किया है एक में तीस मार्क्स है एक में चालीस और एक में बीस तो इस स्टेप में मैंने सभी मार्क्स को प्लस करके उसे पाँच पे तीन पे डिवाइड करवा दिया जो भी आंसर आया जो भी एवरेज आई मैं यहाँ पे कहूँगा कि उसे प्रिंट कर दो ठीक है तो ये चार मैंने स्टेटमेंट्स लिखी एक मैंने हाई लेवल लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिख दिया कि पहले बच्चों के मार्क्स लो उन सभी मार्क्स को प्लस करो और नंबर ऑफ सब्जेक्ट पे डिवाइड करो और बाद में रिज़ल्ट जो है वो प्रिंट कर दो ठीक है ये चार इंस्ट्रक्शंस मैंने दी मैंने इंस्ट्रक्शंस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी है यानी कि ये हमारे पास सोर्स प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम जो है डायरेक्टली कंप्यूटर पर नहीं चलेगा कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा क्यों अंडरस्टैंड नहीं करेगा क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी समझता है कंप्यूटर तो ज़ीरो वन समझता है ठीक है तो द सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली कंप्यूटर डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा इसको चला नहीं पाएगा ठीक है सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटिड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड पहले ये ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर इसको चलाया जाएगा अब इस लाइन से ही आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है यानी कि कंप्यूटर सोर्स कोड को डायरेक्टली नहीं चला सकता पहले इसको ऑब्जेक्ट कोड में करेगा और फिर ये चीज़ कंप्यूटर पर चलेगी और कंप्यूटर पर सिर्फ बाइनरी ही चलती है तो आपको पता चल गया कि ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है ऑब्जेक्ट कोड बाइनरी लैंग्वेज होती है ठीक है बाइनरी लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम होता है सही हो गया तो अब हम ऑब्जेक्ट कोड के बारे में पढ़ते हैं अब हम ऑब्जेक्ट कोड के बारे में पढ़ते हैं अब आएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड अब प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड मशीन लैंग्वेज में लिखा गया कोई भी प्रोग्राम हो या उसमें कन्वर्ट किया गया हो तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड है वन ज़ीरो वन जीरो जहाँ भी लिखा गया हो वो क्या है ऑब्जेक्ट कोड है ठीक है तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहते हैं या मशीन कोड भी कहते हैं ठीक है मशीन लैंग्वेज होती है ना मशीन लैंग्वेज तो इस वजह से इसे मशीन कोड भी कहा जाता है और कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है ऑब्जेक्ट कोड को और बस देखें जी कि अगर यही हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम हमने चलाना है तो पहले इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ठीक है ना तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट कोड लिखूँगा कन्वर्ट कर तो ये जो सॉफ्टवेयर जो जो प्रोग्राम्स कन्वर्ट करेंगे सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में उन्हें ही हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर लैंग्वेज प्रोसेसर लैंग्वेज कन्वर्टर कहते हैं ठीक है तो वो सारा हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पहले हम सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड का कोई ना कोई डिफरेंस देख लेते हैं ठीक है तो चलिए आइए सोर्स कोड इज रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज या यांबली लैंग्वेज सोर्स कोड जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज या असम्बली लैंग्वेज में लिखा जाता है अब सोर्स कोड क्या है देखें कि अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोई चीज़ लिखेंगे तो वो डायरेक्टली कंप्यूटर उसको नहीं समझ पाएगा ठीक है तो उस चीज़ को हमने ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना है ठीक है ऑब्जेक्ट कोड में फिर कंप्यूटर इसे चलाएगा तो ऑब्जेक्ट कोड का सोर्स क्या बना असम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम ठीक है और अगर बात करें असेंबली लैंग्वेज की तो कंप्यूटर असम्बली को भी डायरेक्ट नहीं समझता अगर हमने असम्बली लैंग्वेज में कोई चीज़ लिखी है और वो हमने ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करनी है तो उस ऑब्जेक्ट कोड का सोर्स क्या बना असम्बली लैंग्वेज का प्रोग्राम ठीक है तो असम्बली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता उसमें लिखे गए प्रोग्राम को हम सोर्स कोड कहते हैं ठीक है उसी की नस्बत ऑब्जेक्ट कोड जो है ये मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है ठीक है थ्रू कंपाइलर्स कंपाइलर के ज़रिए यानी कि जब इसको कन्वर्ट किया जाएगा कंपाइलर के ज़रिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर के ज़रिए तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड आ जाएगा सोर्स कोड इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड अगर इंसानों को देखें तो इंसानों के लिए सोर्स कोड को समझना बहुत ज़्यादा आसान है मैंने लिखा था ना कि इनपुट करें बच्चों के मार्क्स तो यह आपको सारा पता चल रहा है इनपुट मार्क्स सम मार्क नंबर वन प्लस मार्क नंबर टू प्लस मार्क नंबर थ्री और एवरेज में हम लिख देंगे डिवाइडेड बाय थ्री तो ये सारी चीज़ें इजी टू अंडरस्टैंड है लेकिन ऑब्जेक्ट कोड जो होता है ये डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है इसमें सिर्फ वन ज़ीरो ही होते हैं अगर हम प्रिंट ही लिखना चाहें ऑब्जेक्ट कोड में तो इस पर चालीस डिजिट्स आएंगे जीरो वन जीरो वन जीरो वन वाले तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अब इसको अंडरस्टैंड करना आसान होता है तो इसको मॉडिफाई भी करना आसान होता है यानी कि अगर कोई गलती हो गई हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं ईजीली लेकिन अगर ऑब्जेक्ट कोड में ज़ीरो की जगह वन आ गया या वन की जगह ज़ीरो आ गया और हमें कहा जाए कि गलती फाइंड करके उसको दुरुस्त करें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा ठीक है सोर्स कोड में कम स्टेटमेंट्स होती हैं ऑब्जेक्ट कोड की नस्बत और ऑब्जेक्ट कोड में ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं सोर्स कोड की नस्बत आपको बताया कि अगर हमने प्रिंट लिखना है तो सोर्स कोड में हमने प्रिंट लिख देना है ठीक है लेकिन यही चीज़ अगर मैं ऑब्जेक्ट कोड में लिखूंगा तो मुझे चालीस डिजिट्स लिखने पड़ेंगे जीरो वन जीरो वन जीरो वन के फॉर्म में ठीक है तो यानी कि ये तो एक छोटी सी चीज़ थी लेकिन ये चालीस डिजिट्स तक पहुँच जाएगा ठीक है तो सोर्स कोड की स्टेटमेंट्स छोटी होती हैं ऑब्जेक्ट कोड की नस्बत और ऑब्जेक्ट कोड की स्टेटमेंट्स बड़ी होती हैं ज़्यादा होती हैं सोर्स कोड की नस्बत ये हमारा लास्ट वाला पॉइंट था ठीक नेक्स्ट अब हम चलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर के ऊपर लैंग्वेज ट्रांसलेटर के ऊपर लैंग्वेज प्रोसेसर लैंग्वेज प्रोसेसर को लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहते हैं और लैंग्वेज कन्वर्टर भी ठीक है लैंग्वेज uh, कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी और प्रोसेसर कहते हैं प्रोसेसिंग करने वाले को तो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के प्रोग्राम पे जो प्रोसेसिंग की जाती है वो लैंग्वेज प्रोसेसर के थ्रू ही की जाती है ठीक है uh, तो आ जाए कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज दोबारा यही लाइन कितनी दफ़ा हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है जीरो वन को ही अंडरस्टैंड करता है अगर एक प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज या असम्बली लैंग्वेज में लिखा गया है कैन नाट बी रन नहीं चलेगा ऑन अ कंप्यूटर डायरेक्टली कंप्यूटर के ऊपर डायरेक्टली ठीक है अगर एक प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज या असम्बली लैंग्वेज में लिखा गया है तो वो डायरेक्ट ही कंप्यूटर पे नहीं चल जाएगा पहले इसको कन्वर्ट किया जाएगा मशीन लैंग्वेज में बिफोर एग्जीक्यूशन इसके चलने से पहले ठीक है ना इसके एग्जीक्यूट होने से पहले लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कन्वर्ट करता है इन प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में ठीक है क्या होता है कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है हाई लेवल लैंग्वेज या असम्बली लैंग्वेज कंप्यूटर पर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं होता डायरेक्टली uh, रन नहीं होते और इनको रन या एग्जीक्यूट करवाने के लिए पहले से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है और लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ठीक है या हाई लेवल लैंग्वेज और असम्बली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं हर एक कंप्यूटर का अपना लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है ठीक है क्योंकि हर एक कंप्यूटर की अपनी मशीन लैंग्वेज होती है अपने कोड्स होते हैं मशीन लैंग्वेज के ठीक है आ, क्योंकि ये मशीन डिपेंडेंट भी होते हैं और हार्डवेयर नॉलेज में इसमें रिक्वायर्ड होता है ये चीज़ें हाई बच्चों के लिए जो पहले कुछ नहीं जो पहले बहुत कुछ जानते हैं मशीन लैंग्वेज जो है ना ये हार्डवेयर नॉलेज मांगती है यानी कि हमें हार्डवेयर के बारे में पता होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में एक एक चीज़ पता होनी चाहिए और मशीन लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट भी होती है तो इस हिसाब से हर एक मशीन लैंग्वेज की एक अपनी प्रोग्राम आ, एक अपने ट्रांसलेटर होते हैं ठीक है नाउ वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर अब हम लैंग्वेज प्रोसेसर की डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले हमारे पास आता है चाचू कंपाइलर। अब देखते हैं कंपाइलर क्या करते हैं uh, कम्पाइलर कंपाइलर अगर हम नेम देखें तो इसने क्या करना होता है इसने कंपाइल करना होता है क्या करना होता है कंपाइल करना होता है कंपाइलर इस प्रोग्राम कंपाइलर एक प्रोग्राम होता है जो कि कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को इनटू मशीन लैंग्वेज एज ए होल एज ए होल मुकम्मली तौर पर देखें फ़र्ज किया कि मैंने ये एक प्रोग्राम दिया ठीक है ना इसमें ये सारी स्टेटमेंट्स लिखे हैं एक दो तीन चार तो कंपाइलर की अगर बात करें तो कंपाइलर ने इन चार स्टेटमेंट्स को लेना है इन चार स्टेटमेंट्स को पढ़ना है पढ़ने के बाद अगर इसमें कोई एरर हुआ तो उसने कह देना है कि ये एरर है ठीक है अगर दो लाइंस में एरर है तो इसने कह देना दो लाइंस में एरर है यानी कि पहली और तीसरी लाइन में एरर है ठीक है और एरर के बाद जब आप वो कहेगा दोबारा एरर ठीक करें हम दोबारा एरर ठीक करेंगे अगर एरर दोबारा दोबारा एरर हुए तो दोबारा एरर का मैसेज दे देगा और अगर एरर ना हुए यानी कि तो फिर डायरेक्ट ही वो कहेगा कि ये लें जी आप का ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बन गया है ठीक है ना क्या करता है कंपाइलर? कंपाइलर क्या करता है कंपाइलर जो भी हाई लेवल का प्रोग्राम होता है उसको एक दफ़ा पढ़ लेता है पढ़ के अगर कोई उसमें एरर हो तो हमें एरर बता देता है कंपाइल नहीं करता कन्वर्ट नहीं करता पहले एरर्स देखता है जो भी एरर हो वो एरर आपको बता देगा पहले आप एडर ठीक करेंगे जब एडर ठीक करेंगे वो दोबारा उसको चेक करेगा इसमें कोई एडर तो नहीं अगर दोबारा कोई एडर होगी तो वो दोबारा आपको बता देगा कि इस प्रोग्राम में एरर है ठीक है इस लाइन में एरर है जितना कंपाइल बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है कंपाइलर इस लाइन में एडर है ये भी बता देता है ठीक है आप दोबारा उस लाइन में जाएंगे एडेड को ठीक करेंगे अगर एडर आप ठीक कर लिया दोबारा कंपाइल करेंगे अगर कंपाइलर को कोई एरर नहीं मिलेगा उसके बाद ये हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा एज ए होल ठीक है मुकम्मल ही अब प्रोग्राम रिटेन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल सोर्स प्रोग्राम यही पुरानी लाइन नेक्स्ट देखें कंपाइलर कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड नोन एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ये, आ, प्रोग्राम तो ये भी पुरानी लाइन कंपाइलर चेक ईच स्टेटमेंट इन द सोर्स प्रोग्राम जनरेट मशीन इंस्ट्रक्शन कंपाइलर क्या करता है चेक करता है हर एक स्टेटमेंट को इन सोर्स प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम में और जे, फिर जनरेट करता है मशीन इंस्ट्रक्शन ठीक है ना फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो है वो उसको जनरेट करता है कंपाइलर जो है वो सिंटेक्स एरर को भी चेक करता है कंपाइलर आल्सो चेक सिंटेक्स एरर्स इन द प्रोग्राम सिंटेक्स एरर क्या होते हैं देखें जी के सिटेक्स कहते हैं उन रूल्स को जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मांगती है देखें कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक दूसरे से सेलहदा क्यों है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक दूसरे से सेलहदा क्यों है सभी में तो ए सी यूज़ होगी सभी में तो करेक्टर्स होते हैं ठीक है आ, तो ये येदा क्यों है ये येदा इस वजह से होती हैं कि हर एक लैंग्वेज को यूज़ करने के अपने कुछ रूल्स होते हैं कि इस लैंग्वेज को इस तरीके के मुताबिक यूज़, कि यूज़ किया जाए अगर हम उन रूल्स की ख़िलाफ़ वर्जी करें तो वहाँ पे एक एरर आ जाता है जिसे हम सिंटैक्स एरर कहते हैं हर एक काम को करने के लिए लैंग्वेज़ में ए, कुछ असूल बनाए होते हैं अगर हम उन असूलों की ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे तो वहाँ पे सिंटैक्स एरर आ जाते हैं फ़र्ज़ किया है कि जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई रूल होते हैं कि इस रूल के तहत आपने सेंटेंस की ट्रांसलेट करना है या सेंटेंस बनाना है तो अगर आप उन रूल्स की खिलाफ वर्जी करेंगे तो वो स्टेटमेंट लिखी ही ठीक नहीं जाएंगी तो आप उसको दूसरी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक छोटी सी बात के बारे में आपको बताता हूँ मैं स्कूल जाता हूँ अगर मैंने इसको कन्वर्ट करना है किस में इंग्लिश में तो मैं इजीली कन्वर्ट कर लूँगा ठीक है लेकिन अगर, अगर मैं इस बात को लिख दूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ मैं जाता हूँ स्कूल अब कन्वर्ट कोई इंसान तो इस चीज़ को कर लेगा लेकिन कंपाइलर को जो है यानी कि कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर को ये चीज़ें सिखाई गई हैं कि जो चीज़ कानून के मुताबिक होगी सिर्फ उसी को ट्रांसलेट करे ठीक है मैं स्कूल जाता हूँ कंपाइलर इसको कंपाइल कर एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ एग्जांपल फ़र्ज़ किया कि आप ट्रांसलेटर है आपको इंग्लिश भी आती है आप उर्दू आपको उर्दू भी आती है तो मैंने उर्दू में कह दिया मैं स्कूल जाता हूँ आप इसको ट्रांसलेट करें आपने इसको ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में आप कंपाइलर अगर मैं लिख दूँ कि मैं जाता हूँ स्कूल इसको ट्रांसलेट करें अगर तो आप ह्यूमन है तो आप कर लेंगे लेकिन अगर आप कंप्यूटर होंगे आ, और आपको ये कहा ही ना गया यानी कि आपको सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बताया होगा ये जो मैंने आगे तर, आगे पीछे तरतीब कर दी इसके बारे में नहीं बताया होगा तो फिर आप मुझे एडर दे, दे देंगे आप कहेंगे कि नहीं पहले इस सेंटेंस को ठीक तरीके से लिखो आ, इस फ़िक्रे को इस जुमले को ठीक तरीके से लिखो मैं फिर ही कंपाइल करूँगा ठीक है तो कंपाइलर जो है वो सेंटेक्स एडर्स भी चेक करता है प्रोग्राम में ठीक है और एक सोर्स प्रोग्राम में अगर एडर्स हों तो वो कंपाइल्ड नहीं होता ठीक है अ कंपाइलर कैन ट्रांसलेट द प्रोग्राम इफ ओनली डैट इफ ओनली डैट लैंगवेज फार विच इट इज़ रिटर्न ओफ ओनली डैट लैंगवेज फार विच इट इज़ रिटर्न कम्पाइलर उस प्रोग्राम को ही ट्रांसलेट कर सकता है जिस प्रोग्राम में इसको लिखा गया होता है अब देखें कि uh, मैंने बताया कि मुख्तलिफ़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं हर लैंग्वेज के अपने अपने सिंटैक्स होते हैं अपने अपने रूल होते हैं ठीक है तो जिस लैंग्वेज के लिए हमने प्रोग्राम लिखा हो कंपाइलर लिखा हो कंपाइलर उन प्रोग्राम्स को ही ट्रांसलेट करेगा ठीक है देखें जी कि मैंने इस लैंग्वेज के लिए कंपाइलर लिखा और इसके असूल कंपाइलर को समझाए लेकिन अगर मैं दूसरी लैंग्वेज की बात करूं उसके असूल लहदा थे तो मैं इसी कंपाइलर को कहूं इसको ट्रांसलेट करे तो वो ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसे मैंने इस लैंग्वेज के असूल समझाए हैं ठीक हो गया अब देखिए अब फॉर एग्जांपल सी कंपाइलर कैन ट्रांसलेट ऑन दोज़ प्रोग्रामिट इन सी लैंग्वेज सी लैंग्वेज का कंपाइलर वही प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट कर सकता है जो कि सी लैंग्वेज में लिखे गए हो ठीक है ये सी लैंग्वेज है तो इसके लिए मैंने कंपाइलर बनाया उसको सी लैंग्वेज के असूल सिखाए ठीक है कि कैसे ट्रांसलेट करना है कैसे कैसे रूल है कैसे सिंटेक्स है कैसे यानी कि ये चीज़ें लेकिन अगर मैं उसको किसी और लैंग्वेज के लिए यूज़ करूँगा उसके रूल अलग होंगे तो कंपाइलर इसको कामयाब तरीके से कंपाइल नहीं कर सकेगा ठीक हो गया नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरप्रेटर नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरप्रेटर इंटरप्रेट क्या करता है इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करता होता है एन इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर भी एक प्रोग्राम होता है जो कि कन्वर्ट करता है एक स्टेटमेंट को प्रोग्राम की एक स्टेटमेंट को एट वंस टाइम अगर हम कंपाइलर की बात करें कंपाइलर ने भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करना होता था लेकिन उसमें स्पेशली लिखा था एज ए होल यानी कि मुकम्मली तौर पर इंटरप्रेटर जो है ये प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम एट वन टाइम एक वक्त में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को कंपाइलर क्या करता था इकट्ठा ही ट्रांसलेट कर देता था लेकिन ये क्या करेगा एक एक इट एक्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द शॉर्ट्स प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट करता है एक स्टेटमेंट को बिफोर ट्रांसलेटिंग ट्रांसलेट करने से पहले नेक्स्ट स्टेटमेंट अगली स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम ये देखें जी ये मैंने अब दोबारा लिख दिया प्रिंट करे सबसे पहले के इनपुट मार्क्स फिर मैंने मार्क्स का सम किया फिर उनकी एवरेज फाइंड की और फिर उसके बाद कहा प्रिंट कर दें अब ये ऑब्जेक्ट कोड में कैसे जाएगा पहले सबसे पहले पहली स्टेटमेंट देखेगा इसमें कोई एरर तो नहीं अगर एरर है तो उसी वक्त कह देगा कि ये एरर है अगर इसमें एरर नहीं है तो पहले इसको ठीक कर ठीक हमें मैसेज देगा ठीक है आ, और और अगर इसमें एरर नहीं है फिर वो नेक्स्ट इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा ठीक है ना ये ऑब्जेक्ट कोड इसका बन गया फिर वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा चेक करेगा इसमें तो नहीं एरर अगर एरर है Uh, यानी कि रूल की खिलाफवर्जी की गई है सिंटैक्स एडर है तो वो हमें बताएगा और अगर इसमें एरर नहीं है तो फिर वो इसको ऑब्जेक्ट कोड बना देगा ठीक है और फिर वो इस लाइन को देखेगा इस लाइन में तो नहीं कोई गलती अगर कोई गलती है फिर हमें बताएगा अगर नहीं गलती तो इसको भी ट्रांसलेट कर देगा इसी तरह लास्ट लाइन तो ट्रांसलेटर क्या करता है तो इंटरप्रेटर क्या करता है इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एक ही दफ़ा उसने देखें अब यहाँ पे एक और मज़े के बाद कि उसने उस प्रोग्राम ने इस लाइन को स्टडी रीड कर रहा है ना तो आगे वाली लाइनों को उसने कुछ नहीं कहना है आगे वाली स्टेटमेंट को पढ़ना भी नहीं तो यही चीज़ लिखी गई है कि वो जिस स्टेटमेंट को एग्ज़ीक्यूट कर रहा होता है कर, नेक्ष्ट नेक्ष्ट ट्रांसलेट कर वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को ट्रांस कर इट एग्जीक्यूट जिस स्टेटमेंट वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है चलाता है नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करने से पहले ठीक है सोर्स प्रोग्राम की एक स्टेटमेंट को चलाता है आ, अगली स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करने से पहले यानी कि अगली स्टेटमेंट को ट्रांसलेट नहीं अभी उसने किया पहले उसने ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया फिर वो अगली स्टेटमेंट पे जाएगा और फिर उसको ट्रांसलेट करेगा आ, अगर कोई एरर है स्टेटमेंट पे तो इंटरप्रेटर जो है वो काम करना छोड़ देता है और हमें मैसेज दे देता है यानी कि अगर किसी में एरर है तो पहले दे एरर दे देगा नेक्स्ट काम करना बंद कर देगा एडवा इंटरप्रेटर का एडवांटेज ये है कंपाइलर की नस्बत कि गलतियाँ जो है वो जल्दी से जल्दी मिल जाती हैं तरतीब वाइज मिल जाती हैं और उसमें भी तरतीब वाइज होती है लेकिन इसमें क्या है कि हमें पता चल जाता है कि इसमें गलती है हमारे यानी कि देखें कि अगर हमने ए, प्रोग्राम लिखा है तो पहले हमें पता चल जाता है कि इस गलती को रिमूव करेंगे तो आगे वाली ठीक होगी इसकी वजह से ये काम है तो कंपाइलर के निसब इंटरप्रेटर का ये फ़ायदा होता है कि हमें अपनी गलती का एहसास इमिडिएटली हो जाता है जल्दी हमें गलतियाँ मिल जाती सो द प्रोग्रामर कैन करेक्ट एडेड ड्यूरिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट जब प्रोग्रामर प्रोग्राम program बना रहा होता है उसी दौरान ही उसे एडर्ट्स का पता चल जाता है और वो करेक्ट कर सकता है दिस द डिसडवानटेजिज ऑफ इंटरप्रेटर इज़ दैट इट इज़ वेरी एफिशेंट इट इज़ नॉट वेरी एफिशियट ये इतना ज़्यादा एफिशियंट नहीं होता ठीक है द इंटरप्रेटर डज नॉट प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इंटरप्रेटर जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फाइल आना था यहाँ पे ठीक है इंटरप्रेटर इज नॉट प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट फाइल फाइल आना था अब देखें कंपाइलर की अगर बात करें तो ये हमारा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा गया है फ़र्ज किया कंपाइलर ये सी लैंग्वेज में लिखा गया है कंपाइलर इसको पढ़ेगा अगर इसमें कोई एरर हुई तो आपको एरर की लिस्ट दे देगा दे कि ये एरर्स हैं इस सभी को ठीक करें ठीक है आपने फ़र्ज़ किया एरर सारी ठीक कर ली तो फिर कंपाइलर के पास जाएगा ये और कंपाइलर इसको कंपाइल करके ऑब्जेक्ट कोड बना देगा ये था कंपाइलर का काम अब इंटरप्रेटर की बात करें तो हाँ कंपाइलर ने साथ इसके एक ऑब्जेक्ट फाइल बना लेनी है क्या बना लेनी है ऑब्जेक्ट फाइल तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमें ज़रूरत हुई तो कंपाइलर इस प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल नहीं करेगा दोबारा ट्रांसलेट नहीं करेगा बल्कि जो उसने ऑब्जेक्ट फाइल बनाई है वही उठा कर दे देगा इसी की नस्बत अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम था ये स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट ट्रांसलेट होगा ठीक है तो इसके बाद ये हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम आ जाएगा अब नेक्स्ट अगर दोबारा हम इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो दोबारा ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेट होगा ठीक है यहाँ पे क्या था यहाँ पे एक कॉपी बन गई थी जिसे ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं अब दोबारा अगर हमें वो प्रोग्राम ट्रांसलेट करवाना चाहिए तो वो ऑब्जेक्ट कॉपी से ऑब्जेक्ट फाइल से उठा के दे देगा लेकिन यहाँ पे बार बार ट्रांसलेट करेगा बार बार ट्रांसलेट करेगा छोटी सी एग्जाम्पल यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि टू प्लस आंसर आ गया फ़ाइव ठीक है आंसर आ गया फाइव तो कंपाइलर ने क्या करना है इसकी कॉपी बना के रख लेनी है इसकी एक फ़ाइल बना के रख लेनी है दोबारा जब मुझे ये चीज़ चाहिए तो कंपाइलर कहेगा हैं ये क्वेश्चन तो पहले भी मेरे पास था तो दोबारा इस कॉपी में से इस फ़ाइल में से ये चीज़ उठा के दे देगा लेकिन अगर ट्रांसलेटर की बात करें तो ट्रांसलेटर ने बार बार जितनी दफ़ा हमें इस चीज़ की ज़रूरत होगी इसने कोई ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाई बार बार इसने ये चीज़ प्रोसेस करनी है ये चीज़ कन्वर्ट करके दोबारा दोबारा हमें चीज़ें बतानी है ठीक है तो कंपाइलर जो है वो ऑब्जेक्ट कापी बना लेता है लेकिन इंटरप्रेटर जे ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं बताता इट मस्ट कन्वर्ट द प्रोग्राम ईच टाइम इट इज़ एग्जीक्यूटेड हमने इसको जितनी दफ़ा भी चलाना है एग्जीक्यूट करवाना है हमें हर दफ़ा प्रोग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा ठीक है विजुअल बेसिक जो है ये इंटरप्रेटर यूज़ करती है विजुअल बेसिक हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है जो कि इंटरनेट आ, में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है ठीक है ना इंटरनेट के कामों के रिलेटेड फिर आ जाता है हमारे पास असेंबलर। असम्बलर क्या होता है असबलर एक स्पेशल किस्म का प्रोग्राम होता है एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम होता है जो कि असम्बली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ठीक है ना कंपाइलर इंटरप्रेटर ने हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में सोर्स को ऑब्जेक्ट कोड में असम्बलर ने क्या करना है असम्बलर ने असम्बली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन यानी कि सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना होता है ठीक है तो ये हमारे पास असम्बली लैंग्वेज आ गई और ये हमारे पास सम्बलर आ गया और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोग्राम आ गया ये काम हमारे असम्बलर बाई का होता है ठीक है तो ये डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर कम्पाइलर इंटरप्रेटर है इसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं सारी चीज़ें आपको बताइए या ख़ुद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा ठीक है थोड़ा सा ओवड़ी भी बता देता हूँ कंपाइलर जो है वो प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है एज ए होल मुकम्मल तौर पर लेकिन ये स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट ये ऑब्जेक्ट फ़ाइल बनाता है ये ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता ठीक है आ, जब ऑब्जेक्ट फाइल बन गई तो इसको बार बार एग्जीक्यूट किया जा सकता है लेकिन अगर इसको एग्जीक्यूट करना है उतनी दफ़ा ही हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसकी एग्जीक्यूशन फास्ट होती है इसकी एग्जीक्यूशन स्लो होती है आ, ये होल प्रोग्राम के बाद हमें ए, सिंटेक्स एडर्स देता है जो भी गलतियाँ लेकिन ये स्टेटमेंट स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलता है तो जो जो स्टेटमेंट में एरर होता है वो साथ साथ ही बताया जाता है ठीक है नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं चलेगी जब तक के पुरानी स्टेटमेंट में एरर दुरुस्त ना कर लें ठीक है इसमें सारी स्टेटमेंट्स चल जाती हैं और सारे एरर्स हमें बता दिए जाते हैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो की समझ आई होगी अगर किसी का को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो वो पूछ सकता है तो ये चीज़ तो रह गई ए सोर्स प्रोग्राम इन रिटर्न बाय द प्रोग्राम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी सोर्स प्रोग्राम जो होता है ये एक प्रोग्रामर के ज़रिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है जब आप सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे तो जब आप सी या सी प्लस प्लस में जो प्रोग्रामर लिखेंगे वो आपका सी या सी लैंग्वेज में सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो आप प्रोग्राम लिखेंगे वो सोर्स प्रोग्राम ही होगा और आप प्रोग्रामर होंगे और आपने इस लैंग्वेज का यूज़ करते हुए वो प्रोग्राम लिखा होगा दिस प्रोग्राम इज़ नॉट इन अ फार्म डेटा कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ये प्रोग्राम उस फार्म में होता है जो कि कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता ठीक है एक कंपाइलर की ज़रूरत होगी हमें सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करने के लिए ताकि कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड कर सके और एग्जीक्यूट कर सके तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी किसका कोई भी क्वेश्चन हुआ लास्ट में पूछिएगा हमेशा खुश रहें इसी के साथ इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़ अल्लाह ने